व्यूअर, ये जो मेरा आज व्लॉग है ये नवाब ऑफ काला और उसकी ये रेजिडेंस थी, जो इस वक्त उसके बेटे और ग्रैंडसन मलिक हमाद मलिक फौद के पास है। हिस्टोरिकल जो नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान का फोर्ट है, उसकी जो मतलब है बैठक थी बंगला, किले वाला बंगला जहां वो फैसला करते थे और हिस्टोरिकल, तो उसको आई एम गोइंग टू विजिट। ये वो रैम्पट वॉल है उस फोर्ट की, एंड ऑन दैट साइड इनके फिर फैमिली और वो रहते थे, बट इट वॉज ऑल मैन फॉर मैन। ये ऑफिसेस थे और ये जो इनसाइड है, जो हाउस बंगलो है, ये 1911 में नवाब अमीर मोहम्मद खान का जो बाबा था नवाब अता, उन्होंने ये बनाया था। अ ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन जो उस वक्त में एक मास्टरपीस थी। हंटेड ट्रॉफीज, ये हाथ से लिखे हुए उस वक्त के 1911 में जिस मिस्त्री ने बनाया, और गुलाम मोहम्मद वो मिस्त्री था, ये लिखा हुआ यहाँ। और ये जो पोर्ट्रेट्स हैं नवाब अता मलिक अता की, जो वालिद साहब थे नवाब अमीर मोहम्मद खान के, क्लिपिंग ऑफ अ न्यूज आइटम, डोनर ऑफ अ बैटल प्लेन द मलिक ऑफ कालाबाग। His Majesty the King Emperor has sent a gracious message। और 1928 की एचिसन चीफ्स कॉलेज की एक मशहूर तस्वीर है, और ये जो बैठे हैं फ्रॉम राइट टू थर्ड जो है नवाब कालाबाग। Four sons of Nawab Kalabagh and the portrait of Nawab Sahab ki jawani ki portrait, aur flanked by uske jo char bete the Nawab Muzaffar, Nawab Alayyar, Nawab Asad, chota Nawab Malik Azam। The drawing room of kile wale bangla, जैसे वो बोर्ड बंगलो था इसको किले वाला बंगला, और नवाब साहब ज्यादा यही यूज करते थे। और ये तलवार है जो नवाब साहब के वालिद ने यूज की। मेडल्स जो नवाब साहब को मिले क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से या औरों की तरफ, पासपोर्ट्स हैं जो नवाब साहब ने यूज की। और ये दो पासपोर्ट हैं, ओल्डेस्ट इज दिस, जब यूनाइटेड इंडिया था नवाब साहब का पासपोर्ट मलिक अमीर मोहम्मद खान, द वन आफ्टर पाकिस्तान क्रिएटेड, नवाब साहब प्रेसिडेंट अयूब एंड भुट्टो। और ये नवाब साहब के साथ कैरिज में नेहरू हैं। नेहरू इंडस वाटर ट्रीटी साइन करने आया था, तो ही विजिटेड लाहौर, जहां उसने पूछा था उस्ताद दामन का, शाह फैसल। डाइनिंग हॉल जो के वरांडा स्टाइल में है, ब्यूटीफुल, वैसे प्रिजर्व है। नवाब साहब वुड सिट देयर एंड फ्लैंक बाय 11-13, नॉट मोर देन 15 एज आई एम टोल्ड गेस्ट। हैंडमेड चार कुल की, और नवाब साहब की जो स्टडी है, ये नवाब साहब यहां बैठ के पढ़ा करता था, और ये वो उस वक्त की किताबें हैं
as preserved, जिसमें जनरल रोमेल ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, नवाब साहब इनको बड़ा गौर से पढ़ता था। नीदर वॉर नॉर पीस, द बेडरूम एज प्रिजर्व, ये अब भी यूज होते हैं बट ओकेजनली फॉर एनी इंपॉर्टेंट गेस्ट। गिलाफ ऑफ काबा शरीफ, नवाब साहब का अपना कमरा था पर्सनल, और ये कहते ही हैं कि वैसे प्रिजर्व है। और मलिक अब्दुलरहमान साहब जो कि इन इसकी फैमिली ने नवाब साहब के साथ मतलब है उनके खिदमतगार और उनके अजीज, इनको अपना औलाद की तरह वो बड़ा प्यार करते थे। और मलिक मेरा भी दोस्त है एक्चुअली, इनका एक बेटा मुल्तान में मेरा दोस्त बना, तो उससे ज्यादा मलिक साहब मेरा दोस्त है। तो मलिक साहब ये नवाब साहब का अपना वो था, नवाब साहब का अपना कमरा जी, इतने वो रहने आ सर्दियों में, गर्मियों में वो गर्मी वाले बंगले दे, वो जो दरिया के उस पार किनारे थे। ये नवाब साहब ने ओथ लिखला जेड़ा गवर्नर ना हलफ चाहे, नवाब साहब व्हेन ही टुक ओथ एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान 54 से, आपको याद हो 70 तक पाकिस्तान में दो यूनिट थे, ईस्ट और वेस्ट। और वो जो ये जो सनत है, ये नवाब साहब पीर मोहम्मद खान के जो परदादा थे ये उनको मिली, और उस वक्त कालाबाग बनू डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, ये तहसील थी बनू डिस्ट्रिक्ट की, और 1864 ये जंग आजादी के फौरन बाद एक नुमाइश हुई थी, तो ये उनको मिली थी। कालाबाग जिला बनू, ये जो आप फोर्ट बेंगलो जाएं कालाबाग, तो नवाब साहब का जो अपना बेडरूम था उसमें लगी हुई है। और ये अस्तबल है जो एक वक्त में पूरा आबाद था, जहर है उस वक्त मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड राइड यही था। इस वक्त 10 घोड़े हैं, लेकिन देयर वॉज अ टाइम व्हेन यहां 32 होते थे एज आई एम टोल्ड। अब जाहिर है इस वक्त गाड़ियां आ गई, मोटरसाइकिल आ गए, और बड़े एक्सपेंसिव हैं। ये अरेबियन हॉर्स है और इसकी प्राइस जो है ये प्राइसलेस है। नवाब साहब किसी को गिफ्ट कर दे सकता था, देता है, बेचते नहीं है। ये दो ये अरेबियन है, फिर उनमें कुछ एक लोकल हैं, आखिर में फिर अरेबियन हॉर्सेस हैं।